पुराड़ी से समाज सेवी राजेंद्र शर्मा ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को भेंट किए मास्क, सैनिटाइजर आदि सामान। राजेंद्र शर्मा कोरोना संकट काल के दौरान सिखों द्वारा लोगों की जो सेवा की जा रही है उसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। राजेंद्र शर्मा ने कहा कि जो सच्ची सेवा सिख कर रहे हैं, इतनी सच्ची सेवा कोई नहीं कर सकता। सिखों की सेवा से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि मैंने खुद दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा से प्रार्थना की कि वह खुद सेवा करना चाहते हैं, उनकी सेवा ली जाए। इस समय में कोई भी राजनीतिक पार्टी कुछ नहीं कर रही, सिर्फ एक सिख कौम ऐसी है जो हर तरह से सेवा कर रही है, लंगर सेवा, दवाइयों की सेवा। इसलिए मैंने कल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन सिरसा जी से बात करी थी और उनको मैंने प्रार्थना की कि मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, दिस इज नॉट ए दान, ये सेवा है। तो उन्होंने कहा ठीक है शर्मा जी, आप बता दीजिए। फिर मैंने कुछ सामान उनको आज गुरुद्वारे की ही गाड़ी आई थी उसमें दिया, जिसमें 18 वो हैं बैक साइड लॉकर एंड डिलक्स मॉडल, और सैनिटाइजर दिया लगभग 200 के करीब, और 3000 ऐसे मास्क दिए हैं, और N95 भी कुछ मैंने उनको अपनी सेवा के रूप में दिए। उनकी गाड़ी आई थी, उनका मान सम्मान किया और यहीं आए थे वो लोग, और मैंने इसी को देखते हुए दिया कि इस वक्त महामारी के टाइम में अपने आप को भी बचाना है और दूसरों की भी रक्षा करनी है किसी भी रूप में अगर हम करें तो। सिर्फ इसके बाद दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से एक सेवा गाड़ी राजेंद्र शर्मा के पास आई और सामान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को दिया गया और कहा कि उन्हें खुशी है कि वह सिखों के माध्यम से समाज की सेवा कर पाएंगे। राजेंद्र शर्मा ने कहा कि दूसरे राजनीतिक दलों द्वारा की गई सेवा पर भरोसा नहीं कर सकते, उनका एकमात्र भरोसा सिखों की सेवा पर है। अपने क्षेत्र की छोटी छोटी खबरों को देखने के लिए डबली न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। हम अपने सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद करते हैं।